नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 जनवरी, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 4102 स्टाफ नर्स के पदों के लिए निकाले विज्ञापन। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्टाफ नर्स के 4102 पदों पर की जाने वाली भर्ती के लिए आवेदन की मांग की गई है। हालांकि आवेदन की शुरुआत बीते दिन ही हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org के माध्यम से प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। SHS की तरफ से ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम 20 जनवरी 2021 निर्धारित की गई है। वहीं इन पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती के लिए विज्ञापन 30 दिसंबर को ही जारी किए गए थे। वैशाली के आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय ऑफ वैशाली में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यह संग्रहालय 1971 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें खुदाई के दौरान पाई जाने वाले पुरावशेषों को प्रदर्शित किया जाता है। यहां कई शानदार मुकुट, हार, गहने आदि को प्रदर्शित किया गया है। यहां भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की बिना सर की प्रतिमा लगाई हुई है। इन सामानों के अलावा इस संग्रहालय में गांव के लोगों के द्वारा आजादी से पूर्व का दिया गया सामान भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। यहां भगवान विष्णु की मूर्ति, शंकर की मूर्ति आदि को भी रखा गया है। इस संग्रहालय में मध्यकालीन युग का काफी सामान रखा हुआ है। संग्रहालय में 2000 पुरावशेष रखे हुए हैं। यहां गुप्त काल, मयूर काल और कुहंस काल के दौरान का भी काफी सामान रखा है। नल जल योजना में अब सरकार लापरवाही नहीं करेगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नल जल योजना को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम करती नजर आ रही है। हालांकि कई बार इस योजना में लापरवाही की खबर भी सामने आई है, जिसको लेकर ही अब सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जिसके तहत सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि मुख्यमंत्री नल जल योजना को समय पर पूरा नहीं करने और विभागीय इकरारनामा की दरकिनार करने वाले 138 ठेकेदार और एजेंसियों को काली सूची में डालने के लिए विभाग ने निर्देश दे दिया है। इन सभी एजेंसियों के खिलाफ विभाग को कहा गया है कि इन ठेकेदारों के कारण योजना प्रभावित हुई है, साथ ही देरी से भी हुई है। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 392 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या बढ़कर 252,792 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 149 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 26 तो वहीं बेगूसराय में 20 मामले सामने आए हैं। भागलपुर में खेती पर नवगछिया के किसान ने पेश की मिसाल। बिहार के भागलपुर जिले में नवगछिया निवासी एक किसान ने परंपरागत खेती से हटकर संतरा, मौसमी, सेब और स्ट्रॉबेरी की खेती करके न केवल अपना जीवन बदला है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण भी पेश किया है। किसान ने प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना को सफल करके दिखाया है। यही नहीं, उन्होंने खेती का तरीका बदलकर अपनी आमदनी दोगुनी कर दूसरे किसानों को भी रास्ता दिखाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, नवगछिया प्रखंड निवासी गोपाल सिंह ने खेती की नई पहल 6 साल पहले शुरू की थी। सबसे पहले उन्होंने 15 एकड़ जमीन में संतरा लगाया था, फिर 10 एकड़ में मौसमी की खेती की थी। नए साल के साथ बिहार में ठंड ने दी दस्तक। आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि नए साल के जश्न के बीच लोगों को ठंड की परेशानी सताने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो नए साल के जश्न के साथ साथ ठंड भी लोगों की परेशानी का सबब बनने वाली है। इसके परिणाम स्वरूप अगले 2 दिन में पूरे सूबे के न्यूनतम तापमान के 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार जताए गए हैं। न्यूनतम तापमान में संभावित गिरावट से पूरे सूबे में 1 जनवरी को ठंड बढ़ी रहेगी। राज्य के विभिन्न भागों में मध्यम स्तर का कोहरा रहेगा। दिन में धूप रहेगी, लेकिन रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। नए साल में बिहार को मिलेगी बसों की सौगात। नए साल में बिहार को नए बसों की सौगात मिलने वाली है, जिससे यात्रियों की यात्रा और ज्यादा सुगम हो जाएगी। बिहार में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बसों के परिचालन के लिए परमिट मिलने वाला है, जिसके लिए कुल मिलाकर 1505 नए मार्गों का निर्धारण किया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए रूटों के निर्धारण के लिए परिवहन विभाग की तरफ से प्रस्ताव किया गया था, जिस पर परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने बताया कि 1505 नए रूटों को शामिल किए जाने से अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी होगी।
पटना गया डोभी चार लेन चौड़ीकरण का काम हुआ शुरू। पटना गया डोभी चार लेन के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, जिसकी घोषणा बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि 127 किलोमीटर लंबे इस सड़क के चौड़ीकरण पर लगभग 1609 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपको बता दें, सुगम यातायात के लिए पटना डोभी के बीच 5 शहरों में बाईपास रोड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बीते दिन यह भी बताया कि पटना गया डोभी पथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 पटना से प्रारंभ होकर जहानाबाद गया होते हुए डोभी के पास जीटी रोड पर मिलता है। राजधानी पटना को दक्षिण बिहार से तथा स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने के लिए यह महत्वपूर्ण मार्ग है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे चित्रा देव की। चित्रा देव का जन्म 1943 में ब्रिटिश भारत के पूर्णिया में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बंगाली साहित्य में एमए और पीएचडी पूरा किया। देव ने आनंद बाजार पत्रिका में अपना करियर शुरू किया था और 1980 से 2004 तक वहां काम कर रही थी। वो एबीपी के पुस्तकालय अनुभाग की प्रभारी थी। देव ने कई पुस्तकों का संपादन और अनुवाद किया है और बच्चों के लिए कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी उनके क्रेडिट के लिए हैं। उन्होंने बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में महिलाओं के योगदान पर बड़े पैमाने पर शोध और लेखन किया है। देव का सबसे लोकप्रिय काम टैगोर घरेलू महिलाओं से संबंधित है। बंगिया साहित्य परिषद द्वारा उन्हें चितरंजन बंदोपाध्याय जन्म शताब्दी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर जिले में काम शुरू करने की व्यवस्था की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप जोन के रेडीमेड कपड़ों की इकाइयों का मुआयना किया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में काम शुरू करने के लिए व्यवस्था की जा रही है, इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलने वाला है। यहां पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है, जरूरत पड़ने पर इस तरह के मॉडल को दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के दौर के अनुसार लोगों के परेशान होने की भी बात कही है, लेकिन सरकार ने सभी की हर संभव मदद करने की कोशिश की है। बाहर से आए लोग अगर यहां काम करना चाहते हैं तो उनके लिए काम करने की पूरी व्यवस्था होगी, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। ब्रिटेन से आए सभी लोगों की पहचान की कही गई बात। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भारत में भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, जिसके बाद अब इसकी आंच बिहार में भी आ गई है। जानकारों के माने तो कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बिहार में होने की खबर भी सामने आई है, जिसके तहत सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि सभी लोगों की पहचान की जाएगी और उसके बाद जांच करवाया जाएगा, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लग गई है। बिहार में अब प्रमंडलवार पंचायत चुनाव करवाने का प्रस्ताव। बिहार में जल्द ही ग्राम पंचायतों के चुनाव का आयोजन होने वाला है। वहीं चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसके बाद अब बिहार में इस बार ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रमंडलवार होने वाला है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है, जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आयोग के साथ पंचायत चुनाव पर चल रहे मंथन के दौरान पंचायती राज विभाग ने परामर्श दिया है कि प्रमंडल स्तर पर चुनाव कराना कई मायनों में बेहतर होगा। ज्ञात हो राज्य में 9 प्रमंडल है, इस तरह आयोग अंतिम निर्णय लेता है तो 9 चरणों चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर नहीं होगा दही चूड़ा का भोज। मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन करवाया जाता था। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होने वाला है और इसका कारण कोरोना है। कोरोना के कारण ही इस बार दही चूड़ा खाने का आयोजन नहीं करवाया गया है। आपको बता दें, मकर संक्रांति पर सियासी दही चूड़ा भोज की तैयारी जनवरी आते ही शुरू हो जाती है, परंतु अंतिम क्षण तक कोई नेता किस दल के भोज में शामिल होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ रहता है। इस भोज को लेकर कतरनी चूड़ा का स्टॉक जुटाया जाता है। दही और गया के तिलकुट की व्यवस्था भी की जाती है। 9 दिन बाद बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई समाप्त। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में जारी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल बीते दिन समाप्त हो गई है। सभी जूनियर डॉक्टर ने रात 10 बजे से अपने अपने काम पर लौटने के लिए सहमति दे दी है। आपको बता दें, 23 दिसंबर से जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर बने हुए थे और 9वें दिन यानी कि बीते दिन हड़ताल को खत्म करवाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ वार्ता के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पीएमसीएच के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने हड़ताल समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जूनियर डॉक्टरों को उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों से जुड़ा विषय सरकार के संज्ञान में है, इन लोगों को जो भरोसा दिया गया है वो काम हम करेंगे। हड़ताली डॉक्टरों का काम पर लौटना नववर्ष के लिए राज्य की जनता के लिए अच्छी सूचना है।
एनडीए में टूट के अटकलों के बीच भाजपा ने किया राजद में टूट का दावा। जहां एक तरफ इस बात की गूंज सुनाई दे रही है कि शायद एनडीए में टूट होने वाली है, वहीं अब विपक्षों का पैतरा भाजपा ने भी उन्हीं पर आजमाया है, जिसके तहत अब भाजपा की तरफ से राजद में जल्द ही टूट का दावा किया गया है। जिसके तहत भाजपा से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि राजद में जल्द बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने कहा है कि करीब एक दर्जन विधायक उनके संपर्क में है। राजद के विधायकों ने उनसे बात की है और वो सभी भाजपा में शामिल होकर एनडीए में आना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले राजद नेता श्याम रजक ने भी अपना बयान जारी करते हुए जदयू के 17 विधायकों के राजद में शामिल होने की बात कही थी, जिसके बाद अब भाजपा की तरफ से दिए गए बयान ने राजनीति एक बार फिर शुरू कर दी है। नए साल में राजधानी पटना की होगी अलग ही चमक। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने ठोस कचरा प्रबंधन एवं नियंत्रण की ऑनलाइन पद्धति का निरीक्षण करने का काम किया है, जिसके बाद नगर निगम में स्थापित केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी वार्ड में इस सिस्टम की जानकारी देने और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयुक्त ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन पटना शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने के लिए पटना नगर निगम एवं पटना स्मार्ट सिटी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिस पर कार्य शुरू है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए नगर निगम की 1100 गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया गया है। बिहार में एक बार फिर शुरू हो गया पोस्टर का खेल। बिहार में सियासी हलचल के बीच एक बार फिर से पोस्टर का खेल शुरू हो गया है। युवा राजद के प्रदेश महासचिव ऋषि यादव ने हाल ही में राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में भाजपा के तमाम दिग्गजों के बीच नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। कार्टून वाले इस पोस्टर के जरिए राजद ने नीतीश को सावधान करने की कोशिश की है कि अब भी समय है वो भाजपा की सच्चाई को पहचाने और एनडीए से अलग होकर राजद के साथ जल्द आए। इस पोस्टर के साथ ही एक स्लोगन भी साझा किया गया है, जिसमें लिखा गया है, अरुणाचल प्रदेश तो झाकी था, एक कुर्सिया तो अभी बाकी था, काटे जोर लगा के वोट, हल्का कुर्सी भारी, हल्का करो चला के गाड़ी। जदयू नेता नीरज कुमार ने की छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए किए जा रहे कामों की सराहना। विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का नतीजा है कि आज बिहार सामाजिक मौन परिवर्तन का वाहक बना है। उन्होंने आगे कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए जिस तरह विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि देने की योजना चलाने का काम किया है और साथ ही बिहार में सरकार नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित की, उसी का सफल है कि आज देश भर के पुलिस बल में राज्य के महिला पुलिसकर्मियों के सर्वाधिक भागीदारी के साथ साथ बिहार देश में नजीर बना है। 4 मई से शुरू होगी CBSE की बोर्ड परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा बीते दिन कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। परीक्षा 10 जून तक जारी रहेंगी। परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जा सकते हैं। CBSE ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह परीक्षाएं ऑफलाइन और लिखित माध्यम से होगी, यानी कि छात्रों को स्कूल में जाकर परीक्षा देनी होगी। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान COVID-19 प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि CBSE की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही ली जाएगी। नए साल में जियो से किसी भी नेटवर्क पर कर सकेंगे मुफ्त में लोकल वॉइस कॉल। रिलायंस जियो ने नए साल से अपने सभी ग्राहकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में अब जियो यूजर उसके नेटवर्क से अन्य नेटवर्कों पर सभी वॉइस कॉल आज से मुफ्त में कर सकेंगे। दूरसंचार विनियामक निर्देश के अनुसार देश में 1 जनवरी 2021 से बिल एंड किप व्यवस्था लागू की जा रही है, जिससे सभी घरेलू वॉइस कॉल के लिए IUC शुल्क समाप्त हो जाएंगे। कंपनी की माने तो इंटरनेट के इतर घरेलू वॉइस कॉल शुल्क को शून्य पर वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए जैसे ही IUC शुल्क खत्म होंगे, जियो एक बार फिर सभी ऑफ नेट घरेलू वॉइस कॉल को मुफ्त कर देगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख का अपना ही एक खास महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में सूरत अभियान शुरू किया था।
पेशवा माधवराव के गुजर जाने के बाद 1772 में उनके छोटे भाई नारायण राव ने आज ही के दिन गद्दी संभाली थी। 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु आज ही के दिन चुना गया था। भारत और पाकिस्तान ने 1992 में पहली बार अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों की अदला बदली आज ही के दिन की थी। कलकत्ता का नाम आधिकारिक तौर पर 2001 में कोलकाता आज ही के दिन हुआ था। 1950 में प्रसिद्ध गीतकार एवं उर्दू कवि राहत इंदौरी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1951 में बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1975 में हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1978 में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। सिडनी टेस्ट के लिए तैयारियों में जुटे रोहित शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसके बाद दोनों टीम अभी बराबरी के साथ मैच में बनी हुई है। वहीं 4 टेस्ट मैच की इस सीरीज में अगले 2 मैच दोनों ही टीम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके बाद अब सभी खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा भी तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए हैं और तैयारी में जुट गए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा ने सिडनी में तैयारी शुरू कर दी है। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ इस समय मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों की साथ की तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों के नए सोशल मीडिया अपडेट से उनके अपने पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट पर होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। टाइगर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटा वीडियो साझा किया है। इसके कैप्शन में लिखा है, खराब बाल, मेरे जैसे लोग ज्यादा केयर भी नहीं करते। अभिनेता को इस स्टोरी में शटलर्स देखे जा सकते हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में पक्षी और उनके चहचहाने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। दिशा ने भी अपने इंस्टा पर 2 सेल्फी की थी, जिसमें उनके बालों में चमेली का फूल दिखाई दे रहा है। उन्होंने सफेद रंग की बिकनी पहनी हुई थी। लूडो किंग ने बनाया नया रिकॉर्ड। लूडो किंग ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यह एक लोकप्रिय गेम के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस गेम का आनंद सभी आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं। यह सबसे लोकप्रिय मल्टीप्लेयर गेम में से एक है और यह भारत में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाले गेम में से एक है। वहीं कोरोना के माहौल में लूडो किंग ने अब अपना एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। इस गेम को दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस गेम को लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। यह गेम वर्तमान समय में 30 देशों में खेला जाता है और 14 भाषाओं में उपलब्ध है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 31 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,930 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,930 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.32 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है स्टडी विद संदीप, अशोक कुमार, राजा पासवान, निरंजन कुमार, रुपेश कुमार, श्वेता रॉय, विधान कुमार, साहिल कुमार, रविंद्र पासवान, पवन कुमार यादव, मुक्ति नाथ, मृत्युंजय कुमार, असलम राज, सोनू कुमार, गौतम कुमार, रोशन कुमार, अंशु कुमार, संदीप कुमार यादव, गुड्डन एंटरटेनमेंट। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आज नए साल के शुभ अवसर पर आप अगले साल के लिए क्या रेजोल्यूशन लेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।